जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सरकार के पास दो विकल्प, या 50% डीए मर्ज होगा या 8वें वेतन आयोग को मिलेगी हरी झंडी। देखें खबर क्या कह रही, यानी जो मंत्री जी ने उन्होंने कहा है कि चर्चा चल रही है मर्ज के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, कब किसने कैसा सवाल पूछा, और मैं बात करूंगा एजीआई के तरफ से एक्सेसमैन इस टेबल को चेक करें जिसको बोलते हैं ईआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, किसके लिए कब क्या, यदि बीच में बैड हैपनिंग होती है तो। एक जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी ने यह भेजा है लेटर, इसके बारे में आपके लिए बहुत जबरदस्त आप देखना होगा। दूसरी बात करूंगा, यदि आप एक्सेसमैन है, यदि आपको जॉब की तलाश है, यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है, आपका एरियर रुका हुआ है, तो आप देख सकते हो तीन जगह ये इस तरीके के सेमिनार कंडक्ट हो रहे हैं। आप इस आस पास के हैं तो जरूर जाके इसका फायदा उठाएं। और पहली बार, सबसे पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे नव हो, भारत का बजेगा डंका। यानी उन्होंने कहा है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सबको मैं सशक्त बनाऊंगा, या इनोवेशन हो या रिनोवेशन हो, उसको इंप्लीमेंट करना है। यानी भारत की टेक्नोलॉजी से और पूरे विश्व के परिवेश को देख रहे हैं, हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते आज विश्व में क्या हो रहा है। इसलिए सशक्त भारत के लिए जरूरी है सशक्त सेना। और एक झलक देखें इस पहल की माननीय प्रधानमंत्री जी की। और बात करते हैं अगली खबर की तरफ, जैसा कि सातवां वेतन आयोग, बेसिक सैलरी में जुड़ेगा 53% महंगाई भत्ता। डीए मर्ज करने पर सरकार ने कही ये बात। हाँ जी दोस्तों, ये खबर है, यानी सातवां वेतन आयोग, मोदी सरकार ने 16 अक्टूबर को 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी दी। सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी, अब कर्मचारियों का डीए 50 से बढ़कर 53% हो गया है। तो दोस्तों, सातवां वेतन आयोग मोदी सरकार ने इस प्रकार की घोषणा के बाद अब कर्मचारियों के सामने एक असमंजस की स्थिति है कि आठवां वेतन आयोग का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, आप 1 जनवरी 2026 से लागू है तो लगभग आप समझ सकते हो एंडिंग ऑफ 24 में हम पहुंच चुके हैं। 14 से 15 महीने बाकी, लेकिन क्या होगा महंगाई भत्ते को लेकर के, क्या बात कही है, डीए डीआर 50% की सीमा पार करने पर डीए और डीआर अपने आप ही बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। हालांकि इस तरह की अटकलें कई बार लगाई जा चुकी हैं। 6वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब महंगाई भत्ता 50 से पार कर जाए तो उसको बेसिक सैलरी में जोड़ देना चाहिए। अब सरकार ने इस पर जवाब दिया है। मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं कि अगला चुनाव आप समझ सकते हो 2029 में, और सरकार अभी ये जोड़ करके 50% केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर देती है तो अगला वेतन आयोग को लंबा खींच सकती है, जो कि बहुत बड़ा सरकार के पास आर्थिक बर्डन होता है। यानी जो उसकी समीक्षा जो आयोग बैठता है, लगभग आप समझ सकते हो एक सैलरी 2.57 से कितनी बढ़ी थी, अभी आप कयास लगा जा रहे 1.92% उछाल होगा तो आर्थिक बर्डन बढ़ेगा। ये सरकार बिल्कुल बनियागिरी में चुस्त तो दुरुस्त है दोस्तों। और सीधा सीधा उन्होंने क्या कहा है कि इसके बाद हालांकि बदलाव अपने आप नहीं होगा, इस पर सरकार को फैसला लेना होगा। और सरकार ने जवाब दिया है कि 5वें 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पैरा 105.11 में महंगाई भत्ते का मूल वेतन में मिलाने और इसे विलय को लेकर सिफारिश की गई थी। अब सिफारिश के बाद 2004 में मूल वेतन के 50% महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में मिला दिया गया था ताकि भत्ते और सेवानिवृत्त लाभों की गणना की जा सके, लेकिन बाद में थोड़ा इसमें बदलाव किया। अब सरकार के ऊपर क्या डिसीजन लेती है, केंद्रीय कर्मचारियों को अब 53% महंगाई दर से भत्ता मिलेगा, जो 50% था माना जा रहा है कि डीए की गणना अलग से की जाएगी। अब डीए, इस पर सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है। और बिल्कुल सरकार चर्चा नहीं कर रही, सरकार एनालिसिस कर रही है कि कौन सा हमारे लिए फायदा होगा और आपको लॉलीपॉप दे करके खुश कर दें। क्यों, कभी समझ सकते हैं बहुत जोर शोर से 8वें वेतन आयोग को लेकर, डीए को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हो, सरकार इस चीज को अब भुनाती है। सरकार बहुत समझदार है, आप देख सकते हो हरियाणा चुनाव में कहां कांग्रेस का, जितने एग्जिट पोल कांग्रेस सुपड़ा साहब बीजेपी का, लेकिन किस तरह इन्होंने बाजी पलटी। तो ये बाजीगर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ये इसका अध्ययन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, आप देख लेना, आपको चौंकाने वाली खबर जरूर मिलेगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली और एक अच्छी खबर की तरफ, जो हम सब के लिए एडवाइजरी एक्सटेंड इंश्योरेंस ईआई स्कीम एजीआई है। यानी सोल्जर बोर्ड के अधिकारी, उन्होंने हमें भेजा है कि आप इसके ऊपर आप बात कर सकते हो। क्यों, किसमें लिखा है, ईआई स्कीम वाज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1981 एज एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवर ओवर पोस्ट रिटायरमेंट। यानी ईआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस की स्कीम 1981 से हुआ है। कवर स्पेसिफिक पीरियड एंड एप्लीकेबल एज पर द कवर आइडेंटिफाइड द टाइम रिटायरमेंट
उन्होंने कहा है कब किसके लिए, इसका नीचे दिया गया है, और कहा है वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो कुछ हिस्सा आपका जो कटता है क्या वो रिफंडेबल है या नहीं है उसके बारे में बात किया जाएगी। बेइंग ए टर्म इंश्योरेंस नो सर्वाइवल बेनिफिट या एनी सेविंग कंपोनेंट्स, इनका EI सर्टिफिकेट इशू बाई AGIF ईच इंडिविजुअल ऑन रिटायरमेंट, सबको एक EI सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बॉन्ड बोलते हैं, और ऑन डिमाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन NO को रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म AGIF अलॉन्ग विद डेथ सर्टिफिकेट एंड EI सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा है यदि एक्स सर्विसमैन की मृत्यु हो जाती है तो NO को का फर्क बजनता है कि डेथ सर्टिफिकेट के साथ EI बॉन्ड पेपर AGIF को भेजें और सोल्जर बोर्ड के जरिए। द EI टेबल बिलो फॉर जनरल अवेयरनेस स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ कंडीशन आर गिवन इन EI सर्टिफिकेट। EI स्कीम टेबल जो नीचे दी गई है, जैसे जैसा है कि मैंने आपको एक बार इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप सुनना चाहते हो तो 1 जनवरी 1981 से 31 मार्च 89 के जो अफसर हैं उनका पैसम असोर्ड यानी 65,000 और 30,000 कटा था, और उनका इंश्योरेंस 10 साल तक उनका कवर था, एज 65 थी, रिफंड नहीं था। उसके बाद 89 और 94 को 1,00,000 कटा था, 50,000 जेसु जवान का कटा था, और उनका जो कवरेज था 65 ईयर और 10 साल के लिए था, रिफंड नहीं था। 1 अप्रैल 94 और 30 जून 99 में अफसर के लिए 2,00,000 पैसा कटा था, 2,00,000 एक्सपायर्ड होने के लिए मिलना था, और जेसु जवान को 1,00,000 पोस्ट ऑफ रिटायरमेंट पोस्ट ईयर यानी 20 साल तक और 70 साल तक के लिए था कवर उसका। 1 जुलाई 99 से 30 दिसंबर 2004 तक जो इंश्योरेंस कवर था अफसर का 3,00,000, जेसु जवान का 1,50,000, और उसका पीरियड था 20 साल या 72 साल उम्र, और जो आपका हिस्सा कटा है वो रिफंडेबल नहीं था। उसके बाद 31 दिसंबर 2004 से 29 जून 2009 तक यानी अफसर का कवर था 4,00,000, जवान जेसु जवान का 2,00,000, 26 साल तक उसका पीरियड था और 75 साल उम्र थी, नो रिफंड। 30 जून 2009 से 30 जुलाई 2010 तक अफसर का 6,00,000, जवान का 3,00,000 कवर, और 26 साल रिटायरमेंट तक और 75 साल उम्र आपकी होती है, नो रिफंडेबल था। अब है रिफंडेबल 31 जुलाई 2010 से 30 दिसंबर 2013 6,00,000 आपके लिए कवर था, 30,00,000 जेसु जवान के लिए, और 26 साल तक यदि इंसिडेंट होता है तो आपको 6,00,000 3,00,000 मिलेंगे और 75 साल उम्र, और जो आपका पैसा कटा है वो रिफंडेबल है, यानी जो लोग आप समझ सकते हो वो ले सकते हैं। कौन से 31 जुलाई 2010 से 30 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2014, 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2017 तक इनका रिफंड है, और प्रेजेंट में 1 जून 2022 के बाद जो आ रहे हैं उनका भी रिफंड है जो अमाउंट है। अब बीच में फिर नॉन रिफंड कर दिया उन्होंने, 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक का आपका रिफंडेबल नहीं है, 1 जनवरी 2022 से 31 मई 2022 तक की रिफंडेबल नहीं, यानी कभी रिफंडेबल है नहीं है। बड़ा अमाउंट है 50-55 हज़ार हमारा कटा है तो हमारा रिफंडेबल नहीं, जिसका है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर क्लेम EI डेथ सर्टिफिकेट इशू बाय रजिस्ट्रार और बर्थ एंड डेथ सारा क्लियर होना चाहिए, मिलिट्री हॉस्पिटल इन एक्सपेक्टेड कैंसल्ड चेक, चेक विद नेम बेनिफिशरी, अल्टरनेटिव कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक विद नेम्स इफ चेक डज नॉट हैव नेम इन, आधार कार्ड टू बी बेनिफिशियर एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, EI सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल नहीं है तो भी चलेगा, इन केस बेनिफिशियरी इज अदर देन नॉमिनी कंटिजेंट नॉमिनी उसके लिए क्लेम एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा, और इंडेमनिटी बॉन्ड जो और कंडीशंस है, यदि आपको ये लेटर चाहिए तो आप ले सकते हो दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपके सामने कहा कि दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए जॉब फेयर है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, यानी सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में रैली है 20 अक्टूबर को, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, जिसने भी अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, और उसके साथ तमाम चीज़ें हैं आपकी सुविधाएं CSD की है, आपकी स्पर्श की है, रिकॉर्ड की है, रोजगार की है, बैंक की है, बीमा की है, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए आपने मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सम्मान में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे जीत स्टेडियम के EMI सेंटर बैरागढ़ भोपाल में होगा। इसमें समूचे क्षेत्र के पूर्व सैनिक शामिल होंगे। पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष MP जयसवाल गंज बसौदा ने बताया कि इस रैली में भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा सहित मतलब सब पत्नी के सहित विधवाएं सबको आमंत्रित किया गया है। बताया गया है कि आयोजन स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं में CSD, चिकित्सा, डेंटल, स्पर्श, रिकॉर्ड, रोजगार, बैंक, बीमा कंपनी के अलावा चुनिंदा सैनिकों को शीर्ष राजनायकों,
अधिकारियों द्वारा सम्मान किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन अमिताभ रावत ने बताया कि पूर्व सैनिकों को ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था है, कोई ट्रेन से आता है तो उसको टिकट का पैसा मिलेगा, जलपान की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है और ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये मध्य प्रदेश का है। अभी मैं बात करूंगा आपके लिए लखनऊ का, फिर बात करूंगा जयपुर का। अब लखनऊ में हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड वेटरन सेल ऑर्गेनाइज इस पर अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन सेमिनार एट शौर्य ऑडिटोरियम कैंट ऑन 19 अक्टूबर, ये कल है दोस्तों, वो पर्स 20 को है, कल भी है। उन्होंने क्या रखा है कि स्पर्श के संबंधी जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पेंशन की प्रॉब्लम है, पूरी स्पर्श की एक सेल वहां पर जाके स्टेब्लिश करेगी, पूरा नेट करेगी। ऑल एक्सर्विसमैन कम्युनिटी मेंबर इंक्लूडिंग वेटरन्स, वीर नारी, विडो, डिपेंडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड देयर कन्वीनियंस एंड गेट द प्रॉब्लम रिजॉल्व इमीडिएटली। ए टीम ऑफ DPCC प्रयागराज कंपोज ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन अफसर इंचार्ज 1JCU and 4 डी लिंक क्लर्क वुड वी शौर्य ऑडिटोरियम विद 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेंगे। PCDA PC और पूरी टीम, ब्रिगेडियर वेटरन, ECHS कर्नल वेटरन, मतलब सारी व्यवस्थाएं आपके लिए वहां पर रहेंगे। उसके बाद आप जयपुर में देख सकते हो, जयपुर में 25 अक्टूबर को DGR जॉब मेला लगा रहा है, वैशाली नगर जयपुर, पूर्व सैनिक को नौकरी मेला, गांडू स्टेडियम विजय द्वार के पास। आई कार्ड अपना लेके जाओ, अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं फोटोग्राफ लेके जाइए, कुछ और समस्याएं होंगी स्पेशली वो जॉब के लिए दोस्तों। तो ये थी आज की खबर, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।